hello students of my class first good morning to all today we will start a new chapter 6 working with a mouse and in the last chapter we have learned about the keyboard so this is a keyboard and keyboard has keys these are keys keyboard has some alphabet keys and number keys and some स्पेशल कीज एंटर की बैक स्पेस की डिलीट की एंड स्पेस बार की एंड दीज ऑल आर कॉल्ड कीज ओके स्टूडेंट्स एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू अ माउस ओपन पेज नंबर फोर सिक्स फोर्टी सिक्स द कंप्यूटर माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस इट हैज थ्री बटन्स जो कंप्यूटर का माउस होता है वो क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इसके कितने बटन्स होते हैं थ्री बटन्स होते हैं डिफरेंट माउस बटन अ माउस हैज थ्री बटन्स नेमली लेफ्ट माउस बटन राइट माउस बटन स्क्रॉल व्हील ओके स्टूडेंट्स दिस इज अ माउस एंड दिस इज माउस पेड वेन एवर वी यूज माउस वी

और ये हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको लेफ्ट माउस बटन पे और मिडल फिंगर को राइट माउस बटन पे तो ये कौन सा बटन होता है राइट माउस बटन होता है क्योंकि ये हमारी राइट right साइड का बटन है और ये लेफ्ट माउस बटन होता है बिकॉज ये हमारे लेफ्ट साइड का है और दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल व्हील इससे हम क्या कर सकते हैं हमारे मेन्यू को अप एंड डाउन साइड में मूव कर सकते हैं ये क्या होता है एक व्हील के जैसे रोटेट होता है अप डाउन अप डाउन दोनों ही साइड में रोटेट होता है सो माउस है थ्री बटन राइट माउस बटन लेफ्ट माउस बटन एंड स्क्रॉल व्हील मूविंग अ माउस वी शुड होल्ड अ कंप्यूटर माउस प्रॉपरली हमें माउस को प्रॉपर वे में होल्ड करना चाहिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड इट करेक्टली माउस को करेक्ट वे में होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब हम माउस को करेक्ट वे में होल्ड करेंगे तभी हम प्रॉपर वे से हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकेंगे माउस उसके स्टेप्स क्या होते हैं सी प्लेस योर द टेबल एंड देन होल्ड द कंप्यूटर माउस ये आपकी पाम है उसको टेबल पे रखना है फिर इस माउस को हमें इस तरीके से होल्ड करना है नाउ प्लेस द थम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस एंड देन इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन आपको थंब को क्या करना है लेफ्ट साइड से होल्ड करना है और इस इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट माउस बटन पे रखना है देन प्लेस द मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन और इस मिडल फिंगर को आपको राइट माउस बटन पे रखना है वी यूज द इंडेक्स फिंगर टू मूव द स्क्रॉल व्हील when वी नीड और जो ये बीच में स्क्रॉल व्हील बटन होता है उसको यूज करने के लिए हम कौन से फिंगर यूज करेंगे हमारी इंडेक्स फिंगर को हम यूज करेंगे सो स्टूडेंट्स दिस इज mouse। हमें क्या करना है दिस इज our palm, उसको ऐसे टेबल पर रखना है और thumb को लेफ्ट साइड में रखना है और इन टू फिंगर्स को राइट right साइड में रखना है नाउ दिस इज आर इंडेक्स फिंगर उसको लेफ्ट माउस बटन में एंड दिस इज आर मिडल फिंगर उसको राइट माउस बटन पे रखना है और जब हमें स्क्रॉल व्हील बटन को यूज करना है दैट टाइम वी यूज दिस इंडेक्स फिंगर एंड वी मूव द स्क्रॉल व्हील बटन विथ दिस index finger so this is the way to hold a mouse in a proper way not like not like not like not like only in this way okay students so what we have learned today so mouse has three buttons left mouse button right mouse button and scroll wheel and how to hold a mouse put your thumb on the left side of the mouse index finger on the left button on the mouse middle finger on the right button on the mouse and rest two fingers to the right portion of the mouse and always use mouse on a mouse pad for the mouse safety okay students and we can use the mouse like this so that's all for today stay home stay safe thank you